हेलो हाय गाइस, वी आर लॉन्चिंग अवर कैट अरम प्रोग्राम। सो नेक्स्ट 1 वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, वी आर गोइंग टू हैव द अरम प्रोग्राम इन विच आई एम गोइंग टू टेक अ कंप्लीट ओवरव्यू डीप डाउन टू द कैट एग्जाम, मेनली फ्रॉम द स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली यार, 6 दिन में तो मैं क्या कैट की तैयारी, वो है 6 दिन में पैसा डबल, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे कि आई एम एडमिशन मिलेगा आप 6 दिन आ जाओ मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। दिस कंप्लीट ओवरव्यू क्या है कैट, क्या नहीं आता, क्या है क्या नहीं है, सब चीज़ें सब बातें करेंगे रिगार्डिंग द आई एम्स कट ऑफ दिस दैट टॉपिक वाइज। सो इन केस यू टू ज्वाइन, जस्ट कॉल और व्हाट्सएप एनी ऑफ द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो ये सारे नंबर यहाँ पे दिए। हेलो हाय गाइस, देर आर 5 थिंग्स यू हैव टू डू। नॉन फुलफिलमेंट of this condition will automatically result in the cancellation of your provisional admission. Exam देने देंगे, admission भी लेने देंगे, but वो admission will be cancelled if you are not able to fulfill any of these 5 conditions. Most of you will be able to fulfill, लेकिन there will be a few students who will having this confusion, especially those in final year or those who are academic record is very poor. तो ये 5 चीजें आपको ध्यान देनी है। लेट्स गो थ्रू ऑल दिस थिंग वन बाय वन। अपन उल्टा स्टार्ट करते, नंबर 5 शुरू करते हैं। दोज आर इन फाइनल ईयर या योर मार्कशीट कैन गेट डिलेड दिस एंड दैट, उनको नंबर 1 एंड नंबर मोस्ट वन पॉइंट इज December 31st, 2023 तक आपको यू इज अ डेडलाइन फॉर सबमिटिंग ऑफ योर क्वालिफाइंग डिग्री इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट। सारे आपको आपके फाइनल ईयर के डिग्री मार्क्स सब सबमिट करना है बाय December 31st, 2023। ठीक है, सो दिस वीडियो इफ यू आर वॉचिंग लाइक आफ्टर 2024, 2025, आप ये लेके चलो कि कैट एडमिशन होने के बाद दे विल गिव यू अराउंड 6 मंथ्स का टाइम टू सबमिट योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर आप 2002 में आपका एटी केटी आ गया, बैकलॉग आ गया, कुछ भी आ गया, सो बाय December 2023 मतलब MBA कॉलेज ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ तक यू कैन सबमिट दिस थिंग। जेबी में क्या रूल था कि अगर सपोज 31st 23 तक आपने सबमिट ना किया देन फाइन पड़ेगा, और फाइन पे करके यू कैन सबमिट बाय December 2024 और फाइन कितना, 100 रुपए। तो मैं कहा ले लियो मैंने सबमिट नहीं किए, जब 100 रुपए फाइन दे देंगे यार, 100 रुपए फाइन पे करके आई सबमिटेड आफ्टर 1 ईयर। ओके, तो यह हर क्वालिफाई कॉलेज चेक करना होगा, आयंस वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये आपको डेट चेक करनी पड़ेगी। नंबर 2 ऑन द लिस्ट, अपन फिर स्टार्टिंग पे बन जाते हैं, इज यू हैव टू सबमिट योर मार्कशीट एवरीथिंग ओके एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यू हैव टू सबमिट योर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमिस्टर्स ईयर्स अलोंग विद देयर अटेस्टेड कॉपीज मस्ट बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। जब कॉलेज ज्वाइन करोगे आपको आपकी मार्कशीट डिग्री सब सबमिट करना है। एडमिशन प्रोसेस होने की बात कर रहे हैं, कैट का रिजल्ट आ गया, आप शॉर्टलिस्ट हो गए, एडमिशन हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, ऑल योर डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड। नंबर 2, इफ यू फ्रॉम द रिजर्व्ड कैटेगरी इफ शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू SC ST OBC PWD मस्ट शो ओरिजिनल सर्टिफिकेट कास्ट और डिसेबिलिटी सब सर्टिफिकेट एंड सबमिट अ कॉपी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद द सबमिशन रिक्वायरमेंट मार्कशीट अलॉन्ग इन द आपको अपना डिग्री सबमिट करना है टाइम ऑफ इंटरव्यू, नॉट फाइनल ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर, इन द फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन यू शुड गेट 50% मार्क्स, 45% मार्क्स इन केस ऑफ ST ST PWD। 2 साल पहले जेबी में क्या हुआ, एक बच्चे का ओबीसी था बट 46% था, लाइक ओबीसी वालों को 50% है, बट भाई ने जेबी अप्लाई कर दिया, उसका कन्वर्ट भी हो गया एंड फाइनली ज्वाइनिंग के टाइम पे आके उसको रिजेक्ट मार दिया गया क्योंकि उसके 50% मार्क्स कम थे। तो भाई ने केस कर दिया कि तुमने एडमिशन क्यों दिया मुझे, जब मेरे 50% के नीचे थे तुमने एडमिशन क्यों दिया। तो जेबी वाले बोलो भाई तूने अप्लाई क्यों किया जब तू 45-50 के नीचे है तूने अप्लाई क्यों किया। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपका ये मार्कशीट है 45% मार्क 10-12, दिस हैव टू बी submitted, it have to be a certificate from the principal registrar of the university institute have to be submitted. ठीक है, यहाँ पे वर्डिंग इसने बेटर दिया है,
The candidate who are appearing for the final year bachelor degree or equivalent certificate must show an original certificate from the principal registrar director of the university certifying that the candidate have obtained more than 50% marks based on the latest mark sheet. ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है. हाँ, ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आपके जो मार्कशीट आती है या प्रोविजनल मार्कशीट आती है. सी देयर टू थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड. वन, वंस यू पास आउट यू विल गेट अ मार्कशीट कि देखो तू पास हो गया. देन यू विल गेट अ प्रोविजनल डिग्री, देन यू गेट अ फाइनल डिग्री. तीन चीजें होती है, मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री एंड फाइनल डिग्री. हमारे यहाँ मार्कशीट के ऊपर भी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार डायरेक्टर का साइन होता है ऑफ द यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. तो आपको इस चीज की टेंशन की जरूरत सबके पास है. 99% ऑफ अस आर कवरिंग दिस डॉक्यूमेंट. एक आधा केस दिक्कत दुक्का जो फंस जाता है उसको क्या करना चाहिए वो हम यहाँ बातें कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू.